खबर से आगाह कर रहे हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हैं। जो लोग अमन ख़राब करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं। पाक फौज शहदा की फ़ौज है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह कहा है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील ने। जी खालिद जमील, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, इसमें तीन चीज़ें अहम है। एक तो ये कि जो कबायली मुजाहिदीन और अवाम है उनके अंदर एक अरसे से जब से इन इलाकों के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई थी और उसके बाद फिर यहाँ पे ऑपरेशन भी होते रहे, बाजौर से लेके शुमाली और जनूबी बलूचिस्तान तक तमाम जो ट्राइबल एजेंसीज हैं इनके अंदर पिछले एक दहाइयों के अंदर फौजी ऑपरेशन होते रहे, जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर जो है कि स्ट्रक्चर तबाह हुआ था, वहाँ की मीशत हर चीज तबाह हुई थी। उसकी बहाली के लिए वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत ने कोशिशें शुरू की थी। फिर जो इन इलाके कबायली एजेंसी थी उनको खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया था और इससे कोई 81 अरब रुपए का एक तरक्याती जो फलाह बहबूद का पहले भी मंसूबे शुरू किए थे और अभी भी आज ये अनाउंस किया गया कि 81 अरब रुपए के जो है कुछ तरक्याती और फलाई बहबूद के जो है मंसूबे शुरू किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है कि कबायली इलाकों के साथ साथ जो पूरे पाकिस्तान में अमन के लिए भी इसके अंदर कुछ बातचीत की गई और कहा गया है जी कि जो अमन के खां हैं उनके साथ तो बातचीत होगी, लेकिन जो अमन के खां नहीं है वो उनको कवर किया जाएगा एनिमीज और उनके खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा भी जो एक स्पेशल सेक्रेटेरिएट कायम करने की बात की गई है ताकि जो कबायली इलाकों में जो केसी में इंतजाम किया गया वहाँ की जो डेवलपमेंट है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके लिए फोकस किया जा सके। इसके अलावा जो अफगान महाजरीन और जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात हैं और मुसलसल अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की आमद हो रही है, हमले हो रहे हैं, उसकी रोकथाम के हवाले से भी आर्मी चीफ ने अपनी हिकमत अमली और जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसका इजहार किया है और दिखाया कि दहशतगर्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज इदारे जो हैं कि वो अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। और अफगानिस्तान की हुकूमत को भी उन्होंने ये बावर करवाया कि उसको एहसान का बदला एहसान से ही छुपाना चाहिए रेदर देन के एहसान का बदला जो है कि एहसान के अलावा कुछ और हो सकता है, ऐसा नहीं है। दोनों मालिक के दरमियान जो तावन कॉपरेशन है उसके ऊपर भी उन्होंने